और बागपत के चप्पे चप्पे पर तलाशी भी चल रही है। विध्वंसक जंग खत्म होने के बाद अब यहाँ गलियों और सड़कों पर लड़ाई हो रही है। यूक्रेन के सैनिक जहाँ तहाँ इमारतों में छिप गए हैं और लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। रूस के सैनिक अब चाहकर भी भारी हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। देखिए रिपोर्ट। बाखमुत के बाहरी इलाकों से जंग सिमट कर अब सड़कों, इमारतों और गलियों तक रह गई है। मारियोपोल में जिस तरह से रूसी सेना ने टैंक से पूरे इलाके को खंडहर बना दिया था, बाखमुत में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। ऑपरेशन क्लीन मारियोपोल जैसा सीन। बाखमुत की गलियों में रशियन T-90 टैंक घूम रहे हैं। रूस की सेना को जैसे ही किसी इमारत में यूक्रेन के सैनिकों के छिपे होने का शक होता है, टैंक से गोले बरसा दिए जाते हैं। बाखमुत की तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे अब स्ट्रीट फाइट के जरिए यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। चौबीस घंटे जारी आघात धमाकों से गूंजती रात। रात के वक्त भी बाखमुत में धमाके नहीं रुकते। इमारतों को गिराने के लिए बड़े बमों का इस्तेमाल हो रहा है। वैगनर चीफ का दावा है कि यूक्रेन के 38,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन की सरकार आंकड़े छिपा रही है। वैगनर से जंग में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बाखमुत की हालत देखिए, यूक्रेन के सैनिक अब पैदल ही लड़ रहे हैं। बाखमुत का रिहायशी इलाका ही जंग का मैदान है और इमारतों की दीवारें ही बंकर हैं। मलबे और खंडहरों के बीच अब गोरिल्ला वॉर चल रहा है। यूक्रेन के सैनिक जल्द से जल्द अपनी पोजीशन बदल रहे हैं ताकि वो टैंक और आर्टिलरी से बच सके। यूक्रेन को कामयाबी कैप्चर में रशियन यूनिट। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रशियन फौज की एक पूरी यूनिट को पकड़ लिया गया। रूस के सैनिकों ने घिर जाने के बाद सरेंडर कर दिया। बाखमुत में ऐसा दावा पहले भी यूक्रेन की सेना ने किया था। दो हफ्ते की लड़ाई में यूक्रेन को कई बार कामयाबी मिली है। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पलटवार में रूस के 4,500 सैनिक मारे गए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ पिछले 15 दिनों का है। बाखमुत के बाहरी इलाकों से ATGM TOW-2B से यूक्रेन की सेना वैगनर्स पर हमले कर रही है। रिहायशी इलाकों में यूक्रेन के सैनिक पोजीशन बदल बदल कर छिप रहे हैं। ऐसे में वैगनर्स और रूस के सैनिकों के लिए यूक्रेनी सेना को ढूंढना बेहद मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन के सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी है, लेकिन छिपकर वार करने की वजह से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाखमुत की जंग अब ठीक वैसी ही हो गई है जैसी मारियोपोल में हुई थी। रूस की सेना ने ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन की मुट्ठी भर फौज ने रूस के सैनिकों को जीत की पताका फहराने से रोक रखा है। वक्त बीतने के साथ रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, लेकिन मुश्किल है कि अब ड्रोन या फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि यूक्रेन के सैनिक छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ चुके हैं। और ऊंची ऊंची इमारतों में पोजीशन लेकर बैठे हैं। यही वजह है कि रूस की सेना टैंक का इस्तेमाल कर रही है।
ताकि यूक्रेन के सैनिकों की गोली नाकाम रहे और यूक्रेन के सैनिकों के हाइडआउट्स को खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।